देखिए दोस्तों, ये इसके दाएं साइड में और एक पेट्रोल पंप है, इसमें पेट्रोल नहीं पहुंचा है अभी। गाड़ी हम पहुंच गए हैं नीलो पेट्रोल पंप के पास। यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है कि लोगों को बिना वजह कोई दहशत है कि बस एक चार्ज पे 150 प्लस चलता है, तो अब हमें यही लेना पड़ेगा, यही ऑटो लेने पड़ेंगे क्योंकि ये चार्ज करने पड़ेंगे, तो फिर इसके बाद हम कहीं भी जा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, करते हैं स्वागत आपको अपनी यूट्यूब चैनल में। आज पता नहीं है हम इसमें वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हमारे बाइक में जो है पेट्रोल बहुत कम है, हम पेट्रोल डालने वाले हैं। आगे पता नहीं है क्या होने वाला है, तो आप वीडियो के साथ बने रहे। इंशाल्लाह जो भी आगे वीडियो बनने वाला है बहुत ही अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं रास्ते के पास जो कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। यहाँ पे हम पेट्रोल पंप के पास जाएंगे, देखते हैं कि वहाँ पे कि हमें पेट्रोल मिलेगा कि नहीं। भैया क्या लेने आए हो आपको? बस पेट्रोल। पेट्रोल भाई, पेट्रोल है यहाँ पे? नहीं नहीं है भाई, यहाँ पे पेट्रोल वेट्रोल नहीं मिल रहा है। खत्म हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेट्रोल कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, वहाँ से हम निकल गए हैं, अब हम नेक्स्ट पेट्रोल पंप के पास जाएंगे, देखते हैं वहाँ से हमें पेट्रोल मिलेगा कि नहीं। हम पहुँच गए हैं नीलो पेट्रोल पंप के पास। यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है कि लोगों को बिना वजह कोई दहशत है कि पेट्रोल नहीं मिलने वाला है, लेकिन पेट्रोल बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पे कभी शॉर्टेज होती है क्योंकि लोग कैन लाए थे, बहुत सारे ड्रम्स लाए थे, उन्होंने वो लेकर वो खाली पेट्रोल कर गए थे इन पंप से। अभी मैं पेट्रोल पंप नीलो पहुँच गया हूँ, यहाँ पे पेट्रोल बहुत मिल रहा है और अपनी रेट में मिल रहा है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप नीलो पेट्रोल पंप के पास आ सकते हैं। हाँ भाई, हाँ आप यहीं पर काम कर रहे हो? तो मिल रहा है ना पेट्रोल? तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, शॉर्ट हो रहा है, क्या शॉर्ट होने वाला है? कोई चिंता नहीं, पेट्रोल मिल रहा है। तो पेट्रोल मिल रहा है तो हमारे बाइक फुल टैंक ही कर दीजिए हमें। चलो ठीक है भाई साहब, हमारे बाइक में पेट्रोल भर रहे हैं। भाई बहुत दूर जाना है इसलिए हमें, और वो है देखिए। हाँ सर, कैश गिन रहे हैं? चल रहा है काम सही से? ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी हम चवलगाम में पहुँच गए हैं, तो मेरा ख्याल ये था कि ये कि तेल मिलेगा कि नहीं, अभी देखते हैं यहाँ पे तेल मिलेगा कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो हम चवलगाम में पहुँच गए हैं और यहाँ चवलगाम के दूसरे साइड में। तो दोस्तों यहाँ पहुँच रहे हैं हम पेट्रोल पंप पर दूसरे के पास। कैसा हो सर, पेट्रोल छुना भाई? पेट्रोल मिला कहीं कि नहीं? आपको ज़रूरी डालना है तो आप नीलो पेट्रोल पंप के पास जाओ, वहाँ पे आपको फुल पेट्रोल मिलेगा। हम व्लॉग बना रहे हैं अभी, तो हमने वहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कौन कौन से पेट्रोल पंप पे तेल अवेलेबल है। अभी अगर आपको ज़्यादा मजबूरी है आप वहाँ पे अभी फुल टंकी भर सकते हो, तो हमने तो अपनी पूरी टंकी भर दी है। दोस्तों ये हम पहुँच गए, अब ये जो है ये इलेक्ट्रिक ऑटो है, अब हमें इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक ऑटो है, यहाँ पे इनमें कोई पेट्रोल डीजल की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेट्रोल की किल्लत हो गई है तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें सिर्फ चार्ज की ज़रूरत होती है, चार्ज करना पड़ता है, तो उसके बाद ये 100-200 किलोमीटर आपको ले जा सकते हैं आराम से। भैया क्या रेट है इसकी? अच्छा, कितना देर चलता है ये? 150 प्लस, एक चार्ज पे 150 प्लस चलता है, तो अब हमें यही लेना पड़ेगा, यही ऑटो लेने पड़ेंगे क्योंकि ये चार्ज करने पड़ेंगे, तो फिर इसके बाद हम कहीं भी जा सकते हैं। हम चवलगांव चौक में पहुंच गए हैं और आगे हम जा रहे हैं सीधे नाहमा रोड के, और वहां से दिखाएंगे कि नाहमा का जो पेट्रोल पंप है वो जो मिरहामा के ऊपर लेरो के पास जो पेट्रोल पंप है वहाँ पेट्रोल अवेलेबल है कि नहीं, वो भी आपको दिखाएंगे और जो भी देखने वाले हैं उनको पता चलेगा कि आज हमारा प्लान नहीं था क्या व्लॉग बनाने का, लेकिन जो पेट्रोल की समस्या आ रही है उसकी वजह से हमें लगा कि इस पर व्लॉग बनाना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चले कहाँ पर पेट्रोल अवेलेबल है और कहाँ नहीं है। हाँ भैया, हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये ई रिक्शा है और ये हमारे भाई साहब है, क्या नाम है भैया आपका? शाहिद अशरफ। यहाँ शाहिद अशरफ, आपको पता होगा कि आज पेट्रोल नहीं मिल रहा है और मैंने बहुत सारे पेट्रोल पंप पे देखा है कि वहाँ पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, तो मुश्किल से हमें पेट्रोल मिला। तो अभी मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ मैंने देखा कि ये ई रिक्शा अवेलेबल है, जो ई रिक्शा होते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा होते हैं, उनको हाँ बैटरी उनकी बैटरी बैक क्या बैटरी बैकअप है बैटरी पर 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी रहता है। अच्छा, 1 ईयर वारंटी है। जो ई रिक्शा है ये दोनों में से एक ले सकते हैं, तो इससे आपका पेट्रोल और डीजल वो बच जाएगा और आप जो माइलेज भी बहुत ज़्यादा देते हैं और 1 साल की वारंटी भी है। तो सर इसका आप अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस बता दीजिए। जी जी, ये नियर न्यू कोट रोड कुलगाम, आप फ़ोन नंबर है 7006621678। चलो थैंक यू सर। हम घंटाघर के पास पहुँचे हैं, अभी हम आगे जा के देखते हैं कि जो बाकी पेट्रोल पंप है यहाँ पर उनमें तेल है कि नहीं। वैसे गाड़ियों का आमद रफ्त तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे लगता है कि यहाँ पे तेल अवेलेबल है।
देखिए दोस्तों, इस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पहुंचा है और गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है। लोग पेट्रोल कैनों में भर के ले रहे हैं, ये देखिए दोस्तों। और ये चावलगामा जो अभी मैं यहाँ पे आया था उस वक्त नहीं था, अभी यहाँ पे टैंकर जो है यहाँ पर आया हुआ है तो उसने छोड़ दिया है। हम दूसरे पेट्रोल पंप पे जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे पेट्रोल पहुँचा है कि नहीं। अभी पहुँचा है, देखिए दोस्तों, ये इसके दाएं साइड में और एक पेट्रोल पंप है, इसमें पेट्रोल नहीं पहुँचा है अभी। गाड़ी है वहाँ पे, आप जा सकते हो। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है दोस्तों को अवेयरनेस देने के लिए है कि कहाँ कहाँ पे पेट्रोल अवेलेबल है। इस पंप पे भी पेट्रोल पंप जो है लेरो का है, यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। अभी हम देखते हैं नाहमा में पेट्रोल अवेलेबल है कि नहीं, देखा क्या है वहाँ पर। वाह वाह, क्या ब्यूटीफुल सीन है भाई, बहुत बढ़िया। क्या खूबसूरत है यार, नज़ारा है बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ से हम नाहमा के जो पेट्रोल पंप है उसके पास पहुँचने लगे हैं, देखते हैं वहाँ पे पेट्रोल अवेलेबल है कि नहीं है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है ना, इंग्लैंड आपने देखा होगा, उसका नक्शा बन रहा है यहाँ पे। ये देखिए जो सूरज है बादल के पीछे छुप गया है और ब्यूटीफुल नज़ारा लग रहा है, रियली में रियली अमेजिंग। ये देखिए कश्मीर का कितना सुहाना मौसम है और बहुत ही प्यारा, उसमें बहुत ठंडी ठंडी हवा छू रही है। और हम पहुंच गए हैं यहाँ पे जो है पेट्रोल पंप नाहमा के पास। तो दोस्तों, ये हम पहुंच गए हैं नाहमा के पेट्रोल पंप के पास, यहाँ पे पेट्रोल अवेलेबल है। जो भी आसपास के लोग हैं यहाँ आ सकते हैं, पेट्रोल भर सकते हैं और पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पेट्रोल पंप के पास अभी पेट्रोल नहीं था, वहाँ हमने विज़िट किया और आपको दिखाया कि इस पेट्रोल के पंप के पास पेट्रोल है और कहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अभी पेट्रोल अवेलेबल है और ये कल ही आया है, जहाँ तक उन्होंने बताया कि कल से अभी तक अवेलेबल है। तो जो भी आसपास के लोग हैं, अगर उनको पेट्रोल करवाना है तो वो अभी आ सकते हैं यहाँ पे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हक बनता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊँगा जो आपने किसी भी व्लॉग चैनल में नहीं दिखे होंगे। अल्लाह हाफिज़।